हमारे हिंदू सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले लाल और पीले रंग के बने कलावे को बांधने की परंपरा चली आ रही है। हमारे शास्त्रों में भी इसे बेहद शुभ माना गया है। इसे रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 से खास बातचीत में बताया कि रक्षा सूत्र को हाथ में बांधने से व्यक्ति हर तरह की रक्षा होती है, वहीं व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है। आइए कलावा बांधने और उतारने के नियम जानें। देखिए, हमारे पुराणों में एक मंत्र आया है, ग्रह यज्ञ फल वाप्तये कंकण सूत्रम निर्मितम हस्ते बदनामी शुभे तुम जीवम शरदाम सताम। यदि हम हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं या हमेशा बंधा रहने देते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है, रक्षा की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसको कहीं कहीं रक्षा सूत्र कहते हैं, कोई इसको मौली कहता, कोई इसको कलावा भी कहता है। तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में इस कलावे को बांधना बड़ा शुभ माना जाता है, इसका बड़ा महत्व है। यह परंपरा हमारी कई युगों से चली आ रही है। देवी लक्ष्मी ने अपने पति भगवान नारायण की रक्षा के लिए राजा बलि को पाताल लोक में जाकर के रक्षा सूत्र बांधा था। बहने अपने भाई के कल्याण के लिए, भाई की रक्षा की कामना के लिए भाई के हाथ में कलावा बांधती हैं, और उसके अलावा ब्राह्मण और गुरुजन जो हैं वो अपने शिष्य यजमानों के भी हाथ में कलावा बांधते हैं। तो कलावा बांधने से निश्चित ही हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है, हमारी रक्षा होती है और प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को, प्रत्येक हिंदू व्यक्ति को अपने हाथ में हमेशा कलावा बांध करके रखना चाहिए। तो इसके अलावा वैज्ञानिक तथ्य भी कई एक दो जगह हमको पढ़ने में आया है कि यदि हम हाथ में कलावा बांध के रखते हैं तो नसों की क्रियाएं जो हैं वह क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, रक्त का प्रभाव भी नियंत्रित होता है, जिसके कारण डायबिटीज हुई, लकवा हुआ, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी हमारे शरीर में नियंत्रित रहती हैं। और यह रक्षा सूत्र वैज्ञानिक दृष्टि से भी बांधना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी होता है। तो इस रक्षा सूत्र बांधने का क्या नियम है? जब हम कभी किसी पूजन में, यज्ञ में सम्मिलित होते हैं तो हमको रक्षा सूत्र बांधना या बंधवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में, शुभ अनुष्ठानों में हमको रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए और हाथ में अक्षत लेकर के मंत्रों के द्वारा 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार लपेट करके उस रक्षा सूत्र को हाथ में बंधवाना चाहिए। 2-3 मंत्र हैं, जो प्रमुख मंत्र हैं वो मंत्र हम आपको बताते हैं जिन मंत्रों के द्वारा रक्षा सूत्र बांधना या बंधवाना चाहिए। एक मंत्र है येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलहा, और दूसरा मंत्र है यदा वदनं दाक्षायणा हिरण्यगुंग सतानिकाय सुमनस्य मानाहा। ये 2 मंत्र हमारे पुराणों में, वेदों में बताए गए हैं। इन मंत्रों के द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। स्त्रियों को अपने लेफ्ट अर्थात उल्टे हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए और पुरुषों को अपने राइट हैंड में अर्थात सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांधना या बंधवाना चाहिए। और इसको उतारने का नियम यह है कि जब हम नया रक्षा सूत्र अपने हाथ में धारण करते हैं तो पुराने रक्षा सूत्र को हमको निकालना चाहिए। जब हम यह पुराना रक्षा सूत्र निकालते हैं तो उसको यत्र तत्र इधर उधर हमको नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा फेंकने से अशुभ हो जाता है हमारे जीवन में। इसलिए उस रक्षा सूत्र को उतार करके विधिवत ढंग से हमको किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन करना चाहिए, किसी बहते हुए जल में विसर्जन करना चाहिए, किसी नदी या तालाब के जल में विसर्जन करना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई नदी नहीं है या कोई तालाब नहीं है जहां हम रक्षा सूत्र को विसर्जन करें तो किसी साफ शुद्ध भूमि में जमीन के अंदर कम से कम 1 बीता गड्ढा करके उस रक्षा सूत्र को जमीन के अंदर हमको स्थापित कर देना चाहिए। हमको यत्र तत्र इधर उधर उस अभिमंत्रित किए हुए रक्षा सूत्र को फेंकना नहीं चाहिए।